नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं विशुद्ध अपना टेक्निकल फार्मिंग चैनल में। आज हम इस वीडियो में नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और नर्सरी के लिए बेडिंग और जो नर्सरी के लिए ऊपर जैसे शेड बनती है टनल में उसको बनाएंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में लास्ट तक, एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे और करके भी बताएंगे कि कैसे कैसे हमने पूरे तरीके से नर्सरी के लिए बेड तैयार किया। जो भी किसान साथी नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान साथियों, सबसे पहला स्टेप जो रहता है नर्सरी तैयार करने का, तो ये रहता है खेत का चुनाव। सबसे पहले आप खेत का चुनाव ऐसे करें जहाँ पे गीली मिट्टी ना हो, पानी कहीं पे खड़ा ना हो और ऊंचा नीचा ना हो खेत वहाँ से, और बाकी जहाँ पे मिट्टी जो है वो सही होनी चाहिए, जैसे आप सख्त नहीं होनी चाहिए ज़मीन, और उसकी बुआई करते टाइम जो है वो हमें दिक्कत का परेशानी ना उठानी पड़े। खेत का चुनाव करने के बाद आप देख लें कि कितनी आपके पास शीट है, तो शीट को पहले आप चौड़ाई की तरफ देख लें। उसके बाद जो है हमने चौड़ाई की तरफ से देखने के बाद हमने 2 फीट के बीच में इसको एक फोल लगा दिया है, उसमें हमने एक बांस का टुकड़ा लगा के उसको बांध दिया इस तरह से, और पीछे वाली साइड हमने GI पाइप लगाई थी जो लो टर्नर में लगाई जाती है। चलिए मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कि अंदर बेडिंग जो है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह से ये बेड बनेगा हमारा। इसके बाद बारी आती है इसकी कोने लगाने की, तो 2 फीट लेफ्ट साइड और 2 फीट राइट साइड को हमने ये छोटे छोटे लगा दिए यहाँ पे बांस के टुकड़े काट करके, और इसको बांध दिया हमने अपने शीट को, और शीट को इस तरह से बांध दे पक्का करके कि ताकि जैसे हवा वगैरह लगे तो ये छूटे ना, इसको जकड़ के पूरा तरीके से बांध दे। और जो मिट्टी जो लगाएं इसको साइड में, तो 4 इंच का इसके लिए गैप रखें जिस तरह से हमने लगा रखा है, ये देखो आप, तो साइड से 4 इंच का रहेगा और ऊपर जो है वो 2 फीट का रहेगा, जैसे मैंने बताया लेफ्ट साइड को 2 फीट का और राइट साइड को भी 2 फीट का। तो इस तरह से आपको इसको बिल्कुल टाइट करके बांधें, और देखिए देख सकते हैं आप नीचे से, मैं दिखाता हूँ आपको। इस यहाँ पे हमने 2 डंडे रखे हुए हैं, एक बाहर को है तो इसमें हमने क्या रखा है कि इसके बांधने के लिए रखा है, और जो अंदर है ये 4 इंच के लिए रखा है हमने, जो 4 इंच का स्पेस रहेगा ऊपर से नीचे को, तो ये पानी आसानी से नीचे गिर जाएगा इसका। और ये हमने सेंटर में इसका लगा के रखा हुआ है, तो सेंटर में इसलिए लगा रखा हुआ है, और ये हमने जो छोटे छोटे पोल लगाए हमने साइड में, तो इसका ये पर्पज़ है, जैसे मान लो कि सुबह हम अपने प्लॉट में आते हैं तो सुबह जब हमें पानी वगैरह देना होता है तो हमें जो है शीट निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो हम इसको जो ये बीच का डंडा है थोड़ा ऊपर रखा हमने, और जो साइड के डंडे हैं उसको डाउन कर दिया है, इससे ये घर की छत के जैसे बन गया है। और देख सकते हैं ये जो हमने साइड में बांस के लगाए थे छोटे छोटे काट के डंडे, तो इनको हम पूरा कवर करेंगे, यानी एक बेड बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और साइड से जो भी मिट्टी होती है जैसे साइड में, तो इनके जो बांस के टुकड़े लगाए हैं यहाँ पे आप इकट्ठा कर सकते हैं मिट्टी को, जैसे इस तरह से हम कर रहे हैं, तो ये बीच में ही हम इसका बुआई करेंगे नर्सरी की। इसका ये भी है कि मिट्टी लगाने का पर्पस, जैसे बाहर से कोई कीट पतंगे या कोई टिड्डे मकोड़े भी आ सकते हैं तो इनकी रोक लग जाती है, अगर मान लो पानी भी आ गया कहीं बाहर से तो ज़मीन गिल्ली हो जाएगी, तो इस साइड से जो नाली हमने लिए चलने के लिए भी हो जाती है रास्ता, और नाली में पानी भी निकल जाएगा साइड को, और कीट पतंगे भी नहीं आएंगे इसके बीच में। बाकी इसको कवर कर देंगे हम शीट से ढक के ना। आप देख सकते हैं हमारा बेड जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, हमने साइड में इसकी मिट्टी लगा दी है, और जो हमने बांस के टुकड़े लगाए थे उसको भी हमने मिट्टी से पूरा ढक दिया साइड को, ताकि कवर हो जाए और बाहर से जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो ना आ पाए अंदर इस तरह से। उसके बाद जो है वो बेड के लिए, अगर अंदर आपको लगता है कि कहीं से डाउन रह गया और कहीं से ऊंचा है, तो आप उसको मिट्टी को फैला सकते हैं और उसको समतल कर लें पूरा, ताकि जब हम नर्सरी लगाएंगे तो पानी एक जगह इकट्ठा ना हो, इसका ध्यान रखें आप। इसके बाद आपके पास जो भी खरपतवार है आपके बेड पे, तो उसको आप निकाल सकते हैं, जैसे सूखे हुए घास होती है या पिछली जो फसल लगाई थी उसका थोड़ा बहुत रह जाते हैं, तो उनको आप पूरा निकाल दें, और थोड़े बहुत पत्थर हैं उनको भी आप उठा सकते हैं।
किसान साथियों, अब आती है खुदाई की बारी। और जितनी भी ये हमारे पास ये बेड बना, तो उसके अंदर आप अच्छे से इसकी खुदाई करें, मिट्टी को जो है पलट दें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो सूखी मिट्टी हमारे पास है और नीचे नमी वाली मिट्टी होती है, वो मिक्स हो जाती है, और इसमें हम गोबर खाद भी डालेंगे, तो इसकी खुदाई करना नेचुरली है कि खोदने के बाद ही आप इसका जो है सही से बेड बनाएं। अगर खोदेंगे नहीं तो फिर वो मिट्टी सेक्टर रहेगी, और जब आप नर्सरी लगाओगे तो सही से आपकी नर्सरी तैयार नहीं होती है। देख सकते हैं हमारा ये बेड पूरी तरह से अब तैयार हो गया। हमने समतल भी कर लिया और खुदाई भी कर ली, तो हमने जो ये 2 फीट का गैप रखा है, इसके बाद हमने चलने के लिए रास्ता रखा है। जैसे हम स्प्रे वगैरह करेंगे या पानी डालेंगे, तो उसके लिए हमने रास्ता रखा है। तो हमें तो एक ही बेड चाहिए था फिलहाल, और बाकी का हम बाद में बनाएंगे, इसकी खुदाई भी बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बेड पूरी तरह से तैयार हो गया है। किसान साथियों, अब बारी आती है गोबर खाद डालने की। तो इसके बाद जो है बेड बनने के बाद आप गोबर खाद डाल सकते हैं। इसके बीच में आप जो भी आपकी ज़मीन में किसी चीज़ की कमी है, तो जैसे फास्फोरस या कोई और चीज़ है, तो आप उस तरह की कोई खाद ला करके उसमें लगा सकते हैं आप, और अच्छे से मिला करके आप इसके बाद जो है नर्सरी की बुआई स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा बेड जो पूरी तरह से तैयार हो गया, और मैंने गोबर खाद भी इसमें डाल दी है। अब बारी आती है इसको मिक्स करने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गोबर खाद डाल दी थी, तो यहाँ पे 4 इंच से ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको ही आप मिलाएंगे, और अगर आप नीचे 4 इंच से नीचे जाते हैं मिट्टी को मिलाते हैं गोबर खाद में, तो जो गोबर खाद है वो ज़्यादा मात्रा में लगती है, और ज़्यादा गोबर खाद डालनी भी नहीं चाहिए, इसके फिर नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि 4 इंच से जो मिट्टी ऊपर की है उसी को ही मिलाएं आप, और जो भी आपके पास खरपतवार है उसको हटा दें, मिट्टी वगैरह में होते हैं जैसे, और पत्थर वगैरह भी इसको बाहर निकाल दें। किसान साथियों, अब बारी आती है बीज की बुआई की। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम छोटी छोटी नालियां बना रहे हैं। आप हाथ की सहायता से बनाइए, आप फिर कोई किरणी का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से आप छोटी छोटी नालियां बनाएंगे और उसमें अपनी बुआई कर देंगे। उसके बाद जो है वो उसको इसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं, अलग से आप मिट्टी भी बना सकते हैं और इसको ऊपर फिर डाल सकते हैं, और अगर आपने थोड़ी सी गहरी बना रखी है तो आप इसको जो है वो पूरा कर सकते हैं जिस तरह से हमने कर रखी है। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो इसके बाद जो है हम इसको पूरा तरह से कवर कर दिया है शीट से, और जो साइड में हमने डंडे बांस के लगाए थे उसमें कवर कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने नर्सरी लगाने के बाद जो है उसमें पानी दे करके थोड़ा सा, और साइड में आप देख सकते हैं किसी कितनी अच्छी तरह से ये कवर हो गया पूरा बेड, और अंदर हवा तक नहीं जाएगी आप देख सकते हैं। और इसके बीच में एक फिट और जो ऊपर वाला गैप है उसको 2 फीट का रखा है हमने सेंटर में से, आप देख सकते हैं। और नर्सरी जो है वो 4 इंच से ऊपर 5 जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती है, तो हमने 1 फीट का गैप रखा है बीच में। और सेंटर की बात करें तो उसमें 2 फीट का गैप है आप देख सकते हैं, और चौड़ाई की बात करें तो ये 4 फीट से ऊपर है, और लंबाई की बात करें तो लंबाई में तो ये 20-25 फीट से ऊपर ही है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी किसान साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें।